ਸਸ਼ਕਾਲ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਡੇਰਿਆਂ ਚ ਵਧੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੁਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ दसदे कि इंडिया न्यूज़ पंजाब दे वलो खास रिपोर्ट है जो साझा की गई है तो डेरिया नू लैके विपिन परमार दे वलो रिपोर्ट है जो पेश की गई है तो विपिन परमार दे वलो डेरिया का भी जायजा लिया गया है लोगों की भी राय ली गई है तो लोगों की राय दे विच डेरिया नू लैके की कुछ कह रहे हैं तुसी भी सुनो। पंजाब में चुनावी सरगर्मी तेज है, ऐसे में जनता जनार्दन के दरवाजे पर नेता लगातार कुंडी खटखटाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन पंजाब की सियासत में जनता के साथ साथ डेरों का प्रभाव भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब चुनावों की बात आती है। ऐसे में 2 करोड़ से ज्यादा की जनता पंजाब में 20 फरवरी को पंजाब की नई सरकार के लिए वोट डालने जा रही है। ऐसे में डेरों का क्या है पंजाब पर प्रभाव? आखिर चुनाव आते ही नेता पंजाब के अलग अलग डेरों का रुख क्यों कर लेते हैं? इस बाबत आपको तमाम जानकारी हम देंगे इंडिया न्यूज पर। आज यहाँ पे जो पिछले कोरोना के समय में पटियाला के मेयर के तौर पर मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, जब कोरोना की महामारी के समय में जो खून का लिए बहुत दिक्कत आ रही थी खूनदान की, तब डेरा के सभी लोगों ने 30,000 के करीब जो है ब्लड डोनेशन वहाँ पर किया और वहाँ पर राशनिंग की, जो राशन वगैरह था गरीबों को पहुंचाया और उसके साथ ही हमारे हॉस्पिटल की पूरी सफाई के लिए जो तमाम काम किए थे, तो तब भी और आज भी उसी के कारण जो है हम आज इनका जो धन्यवाद भी करते हैं इनके काम के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे आज शाह सतनाम जी के जो जन्मदिवस पे यहाँ पे पहुँचे। देखिए जी, एक बात समझिए, आचार संहिता लगी हुई है, हम लोग यहाँ पर जो कुछ नहीं बोल सकते। डेरा की वोट बैंक पर हमेशा पंजाब के नेताओं की नज़र रहती है, ऐसा क्यों? देखिए मैं, आप शायद मेरे को नहीं जानते होंगे, आप पिछले जब भी समय का देखेंगे, मैं तब से लेकर आज तक जो भी लोग इंसानियत के काम को कर रहे हैं, आज आप मेरे को बताइए जितना ब्लड डोनेट डेरा के लोगों ने किया किसी और ने किया है, तो आप पत्रकार भाई हैं, आप भी बता देना। हाँ जी, जो काम हर काम को आप अपने को ना आपको जो आप नहीं इससे जोड़ना चाहिए। कैंडिडेट हैं आप, अपनी स्थिति क्या देख रहे हैं? मेरी बात समझिए, मैं जिस काम के लिए आया हूं मैंने आपको बता दिया। पंजाब में छोटे बड़े मिलाकर कुल 10,000 डेरे हैं जो कि पंजाब की सियासत पर सीधा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में चुनाव आते ही नेताओं का डेरा डेरों में जाकर लग जाता है। अलग अलग डेरे हैं, अलग अलग बाबा हैं जिनके अनुयायी उन्हें फॉलो करते हुए ही पंजाब के चुनावों में वोट डालते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रभाव डेरा सच्चा सौदा का है जो कि गुरमीत राम रहीम का डेरा माना जाता है। ऐसे में गुरमीत राम रहीम ना केवल 2022 के चुनावों में बल्कि 2017, 12, 7 उससे पहले के जितने भी चुनाव रहे हैं उसमें डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव देखने को मिलता रहा है। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले दी गई राम रहीम कुफरलो पंजाब चुनावों में किस तरह से प्रभाव डालेगी ये वक्त तय करेगा। पहला तो मैं परम पूज्य पिता शाह सतनाम जी के पवित्र जन्म दिहाड़े दियाँ पूरी साध संगत लख लख बधाइयां देना हाँ, और इस डेरे में मैं कोई राजनीति मंशा नहीं आया, मैं एक श्रद्धा भावना आया जी। पहले भी कभी आए हो डेरे? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं 2014 तो डेरे में बहुत बार आ चुका हूँ। मैं सिद्धूगढ़ विधानसभा 97 नंबर तो चुनाव लड़ रहा हूँ। इलेक्शन नेतावान का डेरा सच्चा सौदा क्यों होता है? देखो जी, दूसरे बारे में मैं जानता नहीं जी, अब चलो ठीक है जी, जे साड़ी पार्टी ने मैनू टिकट नवाजा तो मैं एक इस तरह आया, नहीं तो मैं नतमस्तक होने वास्ते हमेशा आम पब्लिक आम सेवादार आम जनता वगू आया और सदा आया वहाँ, पहले मैं आता सा अगे भी आता रहूँगा। देखो मैं अपना जिहड़ा डेरा सच्चा सौदा हमेशा ही परमार्थ दे नाल जुड़िया होया, लोग भलाई के काम करता, जिहड़े इत्थों दे साडे संत है गुरमीत राम रहीम सिंह जी हमेशा ही लोगों सेवा भावना करन दा सिखाउंदे आ, कृतियों तो दूर करना सिखाउंदे आ, और 47 तरह के जिहड़े निजम है जिहड़े वह सानू दित्ते आ, जिहड़े कि गरीबां दी सेवा करनी, मकान बना के देने, लोगों नूं ब्लड डोनेटी खूनदान करना, जां जिन्ने भी गरीबां दे लोग भलाई दे हित आ वो साढ़े, मतलब इन्हों साढ़े संत जी है जो गुरु जी है पिता जी है वो सानू लोगों
धर्म के नाल जोड़ते हैं। एक साड़ी यह जी डेरा सच्चा सौदा बहुत वधिया संस्था जिहड़े कि जिहदे इन्हां दे प्रेमी आ जिहड़े साडे प्रेमी आ वो हमेशा ही खुशी दे विच तत्पर रहिंदे आ, हमेशा हाजिर रहिंदे आ। किसी गरीब दे मकान बना के देने, किसी गरीब नूं कपड़े देने, किसी नूं जे कोई बीमार आ उहदा इलाज करा के देना, तां इह बहुत वधिया संस्था जिहड़ी आल वर्ल्ड दे विच आ जिहड़ी उह जिहड़ी डेरा सच्चा सौदा इह जिहड़ी परमार्थ दे। चुनाव कोई भी हो, पंजाब में डेरों का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। पंजाब में कुल 117 विधानसभाएं हैं, जिनमें की ये माना जाता है, आंकड़े ये बताते हैं कि 90 से ज्यादा विधानसभाओं पर डेरों का प्रभाव सीधे सीधे पड़ता है और सीधे सीधे ये प्रभाव वोटिंग परसेंटाइल को भी इफेक्ट करता है। पंजाब में कई डेरे हैं, डेरा सच्चा सौदा, डेरा राधा स्वामी, निरंकारी, नामधारी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और इस तरह के कई डेरे हैं जो कि सीधे सीधे वोटिंग परसेंटाइल को प्रभावित करते हैं। और यही वजह है कि पंजाब के बड़े बड़े नेता चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही डेरों में डेरा जमा लेते हैं, ताकि जो अनुयायी वोट करें या डेरे का जो भी निर्देश हो वो उनके पक्ष में हो। ऐसे में अब पंजाब एक बार फिर से विधानसभा 2022 के लिए वोट डालने जा रहा है। पंजाब के 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 20 तारीख को मतदान करेंगे। इससे पहले राम रहीम को दी गई ये फरलो क्या रंग दिखाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे में 90 से ज्यादा विधानसभाओं पर डेरे का ये प्रभाव किस तरह से पंजाब की आने वाली सियासत में अपना प्रभाव डालता है, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन वेद के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।